अच्छा वो देखना ऊपर स्टेप आप तो ऐसा यार ये भाई साहब मेरे बहुत ज्यादा ही पास मतलब इसकी आंखें देखोगे ना तो इसकी लाल लाल सी है यार ये बार बार क्यों नीचे आके मीनू के पीछे ओ मुझे तो फोन नहीं दे के वो डर यार देखो मैं थोड़ा सो गया था ठीक है और अभी बज रहे करीब शाम के 5:30 और अपने घर आज जाना है चेंबूर मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। देखो और आज की जो वीडियो आज अपन मतलब छिपकली स्नेक फ्रॉग पता नहीं कौन कौन सी एनिमल अपन छूने वाले हैं फुल उनके मस्ती करेंगे ठीक है तो मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लॉग है वीडियो लास्ट तक लेना तो चलो चलते हैं सामान वो लेते हैं ये अपना गोरिल्ला पॉड फोन और ये रही अपनी घड़ी बैग में डालते हैं सारा सामान तो देखो हमने ऑटो पकड़ी है तो आओ मुंबई आके अगर ऑटो के मजे ना लिए ऐसा हो नहीं सकता ठीक है जो अपने ऑटो वाले भाई है ना वो यूपी के जानते हो दिल्ली यूपी हरियाणा अपने भाई भाई होते हैं ठीक है अच्छा जिस भाई का ज्यादा उसका फोन आ रहा है भाई मैं निकल चुका हूँ यहाँ से बस आप ये समझो करीब 1 घंटा लग जाएगा मुझे पहुंचने में बॉम्बे मतलब बांद्रा स्टार्टिंग से सुना है कि यार मुंबई में वो कार्टर रोड बांद्रा शाहरुख खान सलमान खान सब उधर ही रहते हैं अरे सब बांद्रा रहते हैं यार ने मुझे बोला यार छुट्टी है जाम नहीं मिलेगा मुझे फिर भी जाम देखने को मिल रहा है ये है अपनी मुंबई तुम देख लो छुट्टी वाले दिन भी जहाँ भैया मुझे कह रहे कि जाम नहीं मिलेगा वहाँ भी अपने को जाम मिल रहा है ये कुछ भी जाम नहीं है मेरे जस्ट इस तरफ है पवई का लेक ये भैया की अच्छी बात है खास बात है भैया हमें प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं ये इधर भैया कह रहे हैं कि यार ये बहुत ज्यादा पॉश एरिया है ओए होए होए अच्छा बहुत महंगा है तुम देख लो मतलब कैसी कैसी बिल्डिंग है यार उसमें सीन कौन सा जहाँ वो डरता है शाहरुख खान आग से वो दीपिका बचाने के लिए हाँ तो वो कहाँ पे सीन शूट हुआ है अच्छा ये बोल रहे हैं भैया रेनेसेंट जो अपन ने पिक्चरों में देखा है कैसे कैसे क्या वो आज पहली बार देख रहे हैं ना इधर अलग ही मजा आ रहा है यार तो तुम देख लो यार मेरे सामने IIT बॉम्बे ठीक है और भैया मुझे बता रहे हैं कि यार ये पूरे मुंबई में फेमस है भैया ने स्पेशली हमारे लिए रोका है यहाँ पे तुम देख लो IIT बॉम्बे का कैंपस एंट्री देख रहे हो यहाँ की दीदी को पता नहीं क्या कैट में इतना इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन हाँ लेकिन ऐसे ऐसे जानवर है ना तो एक बार अंदर तो आज मतलब बिना मैं शूट नहीं कर रहा था मैं जैसे अंदर गया ना भाई ने मुझे कुछ चीज दिखाई अब वो चीज ना मैं दीदी को दिखाना चाहता हूँ देखो ये ना एक नॉर्मल घर नहीं है समझ लो समझना मेरी बात को ठीक है मैं अंदर घुसा यहाँ पे ये भाई साहब पीछे थे ये भाई साहब उधर ये भाई साहब क्या है ये एक ऊपर है महाराजा एक अपने यहाँ पे नीचे हाँ एक बार अंदर तो आ अरे आ ना अरे कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेगा आ तो अपने जगह से हिलेंगे भी नहीं आओ ये हमारी माता जी हैं नमस्ते आंटी प्लीज मेरे को हाँ अच्छा वो देखना ऊपर अच्छा वो देखना उधर यहाँ पे बहुत सारे यार देख मैं देखो सही बताओ उसको देख ऐसे लग रहे कभी भी झपट्टा मार देगा ऐसे सीधा हाँ फुल मिला तो आप तो यार बुला रहे हो उसे वो आ गया तो हंस रहा है देवल दिल्ली वालों को हाँ हमारी बातें जो है ना उसको पता चल जाती है अच्छा वैसा रिएक्ट करते हैं गुस्सा भी करेंगे ना मैंने तो वो नेल्स कट करने के लिए नेल्स कटर लिया था मुझे पता नहीं वो मेरे कंधे पे बैठा हुआ है और वो जो कुछ तो बात कर रहा है अच्छा मैं सुनी नहीं मैं अपने कटिंग में लगी हूँ तो जैसे ही मैंने वो उठाया मैंने नेल्स के पास लिया तो उसको लगा मैं खुद का हार्म कर रही हूँ आके मेरे को यहाँ चुन लो अच्छा इसके लिए फिर मैंने वो हाँ। और फिर शादी से बैठा स्वीट है अभी इसको बोलोगे स्टेप अप करके तो उसको ऐसे ट्रेन किया स्टेप अप तो ऐसा आप बोल देना स्टेप अप स्टेप अप अच्छा वैसा आपका हाथ सही है बड़ा सही तरीके से जज करने का यार फिनिक्स अच्छा शूटिंग बहुत अच्छी लगती है आप क्या बात कर रहे हो कंधे पे बोलो भाई पोज दे तो खड़े रह जाएगा ऐसे दीदी कड़े जाता हूँ स्टेप अप करूँ स्टेप अप खाली वो यहाँ पे ऐसे पकड़ेगा हाँ सपोर्ट के लिए अरे मेरे को भी ऐसी होता डर तो बहुत इस बार तो काटा इसने कंधे पे हाँ कंधे पे सही है
मुझे दो तीन दिन और रहने मुंबई में, तू आज ही भगा देगा यार। मतलब यहाँ पे ना एक खास बात मैं देख रहा हूँ कि ना बेशक आंटी हो अभिरू वो इतने ज्यादा एनिमल फ्रेंडली है ना, मतलब ये घर नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे यार। आने भी नहीं है और लेके आना। जैसे अभिरू थोड़ा अपने बारे में बताओ। तो बेसिकली अपना यहाँ पे वर्क चलता है यहाँ के बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और यहाँ पे जो भी कंजर्वेशन रहता है उसके ऊपर, तो नेचर को कैसे बचाना चाहिए, लोगों के घर में सांप आ जाते हैं, कोई वाइल्ड एनिमल हार्म हो जाता है, फुल मतलब रेस्क्यू, पूरा रेस्क्यू। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान नाम का जानवर छोड़ के किसी भी आंदोलन फोन घुमा देते कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है आप परेशान। मुंबई में कहीं भी, मुंबई में कहीं भी, महाराष्ट्र में कहीं भी कभी भी आ सकते हो, कभी फोन कर सकते हो और आपकी सहायता हो जाती है। 18 साल की उम्र भाई इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, भाई देखो यार खून निकल रहा है। फिनिक्स सर नॉटी बॉय, क्यों किया ऐसे, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? आज का खाना तू ही है। आज का खाना तू ही है। टोटली हर्बीवोरस एनिमल, मतलब ये पत्ते फूल सब्जियां ऐसी सारी। हाँ इसका, लेकिन ना इसका थोड़ा स्माइलिंग फेस टाइप का है ना। इसके बारे में खास बात बताओ, हाँ। ये जो हमारा स्पाइकी है, हाँ हाँ, खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 है, उसका ग्रैंड फिनाले था, हाँ हाँ, शूट पे जा चुका है, तो भारती सिंह, अक्षय कुमार इन सबके साथ उसके फोटो वीडियो। तो पहले थोड़ा छोटा था, यहाँ में हुआ था जहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस, उसके अंदर अपना भाई गया था। अच्छा, मतलब फुल सेलिब्रिटी है ना भाई। लेकिन मेरे भाई मैं आपको सही बताऊँ, मैंने जितने भी इगुआनास देखे ना दिल्ली में, मतलब एक मेरे भाई है जो इगुआना के ऊपर डील करते हैं, मैंने इससे बड़ा इगुआना कहीं नहीं देखा है। अभी छोटा है, ये छोटा है, जो अपना हाँ। सबसे बड़ा वाला है वो हाली थोड़ा सा बीमार चल रहा है, वो है पूरे 6 फीट का। भाई मुझे बोल रहे कि यार ये इगुआना तो फिर मतलब छोटा है। इसका नाम स्पाइकी है, जो सबसे हाँ। बड़ा इगुआना है, तो उसके ऊपर मेरी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, वो मैं उसे लेके सीएसटी वगैरह गया था, मरीन ड्राइव पे घूम रहा था। कितने फीट का है वो? मेरे जितना ही पकड़ लो। बड़े ना आसानी से बोल लिया मेरे भाई ये सारी बातें, ठीक है। एक इगुआना मतलब थोड़ा प्यार से बोलता हूँ, नमकीन चिपकली वाला भाई 6 फीट का। अब ये मेरे पीछे भी एक भाई साहब, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब ये जो इगुआना है ना ये भी सो रहा है, और कितनी क्यूटली तरीके से सो रहा है, मतलब यार अरे ये सबसे छोटा वाला हो गया। हाँ, ये सबसे छोटा वाला है। उसके बाद वो वाला, उसका नाम है सीरी, उसका नाम सीरी है, इसका नाम एलेक्स है, और उसका नाम है डोरा द एक्सप्लोरर। हाँ, सही बात, वो उसे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, पसंद है। तो डोरा ही कहते हैं वो, हमारी इकलौती फीमेल है, बाकी सारे मेल। अच्छा मैंने बातों बातों भूल गया कि यार ये भाई साहब मेरे बहुत ज्यादा ही पास है, और अभी ऐसे ही देख रहे हैं बेटा, कर ले व्लॉगिंग, लास्ट में तू ही खाना है मेरा, फुल डेविल्स मास्टर बता रहे क्या? इसे वो कहते हैं पैकमैन फ्रॉम, बचपन में गेम नहीं आती थी पैकमैन, हाँ, तो इसके लिए इसकी शक्ल है। अच्छा हाँ, तुम देख लो यार, मतलब इस फ्रॉक की जो शक्ल है ना वो थोड़ी पैकमैन, वो गेम नहीं आती थी उससे मिलती है। और ओ तेरी, बड़ा तगड़ा जम मारा इसने, तो ये अपना एग्जॉटिक ही हो गया। ये एग्जॉटिक है, ये मिलते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। अच्छा, कलर वेरिएंट बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं आंटी समझा करो यार, नहीं थी तो ये मतलब जेनेटिक ही आया मेरे भाई को। ये जो सारा शौक था वो था डैड का। अच्छा डैड का था, हमेशा सिखाते थे कि एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडिया के अंदर तो ये सारी चीजें बहुत कम है, पत्थर मार दिया अरे बहुत मजा आ गया, अरे वो उधर पे कुछ दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, चलो फेंक, वो ही चीजें कम है। मारना क्यों है भाई, वो बैठा है अपनी खुशी में, सो रहा है। तुम लोग भी इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखो, मतलब सीन खतरनाक तो है लेकिन साथ साथ में वैल्यूज भी इस वीडियो में ना जुड़ी हुई है, ठीक है। साथ में दीदी के रिएक्शन भी है, तगड़े तगड़े हां, दीदी के रिएक्शन देखने के तुम वीडियो को लास्ट जरूर देखना। लेकिन अभी मेरे सामने है एक और फ्रॉग, तो फ्रॉग दिखाता हूं। फ्रॉग के बाद ना सांप का सीन भी है, तुम देखना। ये अल्बाइनो मॉर्फ है इसके अंदर, मतलब इसकी आंखें देखोगे ना तो इसकी लाल लाल सी है, तुम देख लो। मतलब इस फ्रॉग की जो आईज है ना वो काफी ज्यादा लाल है, रेड आईज है पूरी, ठीक है ब्रो। मतलब क्या ये रेयर होती होंगी काफी? हाँ, और ये बहुत ज्यादा फुजकते हैं इनको। हाँ, वो ये भी भागने को हो रहा है फुल। हाँ, ये मैं ज्यादा हैंडल नहीं करता हूँ क्योंकि हाँ। ये जो है ना, ये जो प्राणी रहते हैं हाँ। ये अपनी जो स्किन है हाँ। ये जो स्किन है उससे वो लोग सांस लेते हैं, मतलब लाख से तो लेती है पर जितना भी ज्यादा उनका रेस्पिरेशन। अच्छा अच्छा भाई, हाँ मेरे पास भी ना बायोलॉजी थी, तुम ये मुझे याद सा आ रहा है, एनिमल किंगडम में पढ़ा है हमने। ये जो फ्रॉग देखा इतना बड़ा होता है। अच्छा, बड़ा और इतनी साइज का जब वो होता है ना भाई, तभी वो एक चूहा खा सकता है। क्या बात कर रहे हो, चूहा खा लेगा, छोटा सा अगर कोई बिना जहरीला सांप भी रहेगा ना तो उससे हाँ। भी वो निगल सकता है। ये वाला, ये वाली चीज, तो ये भी मतलब अपना कार्निवोरी है। हाँ, ये कार्निवोर है, ये प्रॉपर कार्निवोर है, और खतरनाक चीजें ही पाल रही है। बताओ भाई, बीच में कोई एनिमल तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। तो ये मेरा बेडरूम,
मतलब मैं देख रहा हूँ काम जितने बड़े कर ले एनिमल रेस्क्यू सब सोए का बंक बेड पे ही बंकर का कहीं ना कहीं बचपना छुपा हुआ है। और ये देख लो यार, ये जो है इसका नाम है इंची। ठीक है, अभी ना मेरा पैर इस प्लेट पे लगा तो मुझे लगा कोई एनिमल तो नहीं है। एक बेड के ऊपर उस तरफ है बड़ी वाली इगुआना, इस तरफ अपनी ये स्नेक है। अच्छा, स्नेक का अगर हम बात करें भाई, ये कौन सी स्नेक है? अच्छा, वो कहाँ गई? उत्तरी जहरीली सांप होती है या फिर टोटली बिना जहरीला सांप होता है? ये पाइथन फैमिली है। पाइथन मतलब इनको बोआ कंस्ट्रक्शन में माना जाता है। जो फूड है तो पकड़ के फिर उसको कॉइल करते हैं, मतलब दबोचते हैं, फिर दबोचने के बाद उसके हड्डियां क्रश वगैरह करके। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लपेट के उसे हड्डियां तोड़ देते हैं उसकी, तो बोआ कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। पाइथन हाँ भाई क्या हाल है? बताओ तेरे को क्या हाल है? कार्निवोर है ये भी? हाँ, ये कार्निवोर एनिमल है, छोटे मैमल्स वगैरह चूहे वगैरह खाता है, लेकिन जहरीला नहीं है। मुंह के अंदर 180 दांत है पर ये जहरीला नहीं। बड़ा बदतमीज इंसान है यार, बड़ा बदतमीज इंसान है। मैं घर आया हूँ उसके, मैं बोल रहा हूँ आंटी जहरीला है, बोलता इसके मुंह के अंदर 180 दांत है लेकिन जहरीला नहीं है। आप इसको गले में पहन सकते हो, बिल्कुल नहीं। वो कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं लगा क्या बहुत लिखे है? फुल गलत है भाई, ठीक है तो फुल गलत चलता रहना चाहिए। मुझे इतनी देर से पता ही नहीं है। ये बार बार क्यों नीचे आ गए? मीनू कैसे चल रहे? मीनू प्लीज यहाँ आ जाओ। भाई 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 तुम देखो, मतलब अपना जो लास्ट इगुआना है वो उस तरफ बैठी है। देखो जिंदगी में पहली बार मैं स्नेक को इतने सामने से देख रहा हूँ, और भाई मुझे कह रहा है कि यार एक बार इसको अपने शोल्डर पे कंधे पे रख के देखो, अलग मजा आएगा। कोई इशू नहीं है भाई। इसने खाने में क्या खाया? इसने खाया चूहे। तो पेट भरा है ना इसका? पक्का इसका पेट भरा है? आप पे ट्राई भी नहीं मारेगा? नहीं मारेगा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मुंह पकड़ लेना बस। नहीं 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 कुछ भी नहीं, मुंह पकड़ेगा तो गुस्सा हो जाता है। भाई तूने, तू बड़ा बदतमीज है यार। ये मुझे बोल रहा था कि अपने ये जो शिकार को ना ऐसी लपेट के हड्डी उसकी तोड़ता है, और मेरे को तो नहीं, बस ऐसी डर जाएगा। मजा आ रहा है? मजा डर लग रहा है कि ऐसे जकड़ना है मेरे को? बिल्कुल नहीं करेगा, प्यारा बच्चा है। पेट भरा है इसका? पेट भरा है बहुत। चूहे खा रखे इसने बहुत ज्यादा। कहीं कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा भाई मतलब फुल डेयरिंग बाज लग रहा है। लग रहा है अभी ना पता नहीं मुंह का है, मैं देखने भाई ये पीछे क्यों जा रही है? एडजस्ट हो रही है अपने। वो फुल शंकर यार। कहीं ना कहीं मैं सांप से स्नेक से इतना डर रहा था, और आज जब मैं अपने गले में फुल शिवजी वाइब्स दे रहा हूँ तो अलग ही मजा है इस चीज का भी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वो बड़ा वाला अपना इगुआना एक बार उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे को पता है क्या, मैंने कि यार आज ना अपने सारे जितने डर है ना डर खोल दूंगा मैं। इसको बोलो किस करने? नहीं फिर आप कर लो। नहीं मैं ठीक हूँ सिंगल ऐसे। बोले ब्रदर अपन मुंबई आगे भी कर रहे हैं, मुंबई का अच्छे बोल रहे हैं। बस बस कोई बात नहीं, बस सेट हो गया। नहीं मैं पोज मार रहा हूँ ऐसे, बात नहीं। फोटो आई ना बढ़िया। भाई ये बताओ, जैसे बाहर इतने अपने कुत्ते होते हैं, डॉग्स हो गया, कैट हो गया, तो वो क्या इसको खाने को हो रहे होते हैं या फिर इसे अगर कोई बड़ा एनिमल है उसको हमला करने? इनकी जो पूंछ है ना जो लंबी है उनके बॉडी से बहुत तगड़े से हिट कर सकती है, तमाचा सीधा एकदम फटके से। तो ये जो स्केल्स है ना आप देख सकोगे, ओ ये तुम देख रहे हो, मतलब ये जो इसकी पूंछ है ना अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँ मुझे पता नहीं लगेगा, ठीक है नॉर्मल पूंछ, लेकिन जब उल्टा लेके जा रहा हूँ पता लग रहा है कि हाँ कितने शार्प है ये। इंडिया की वीडियो तो नहीं है, बाहर की है, ये देखना क्या होगा अभी। ओ तेरी। हेलो आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये जो है ना ये जो सांप है ना ये भाई घर लेके आ रहा है। हाँ सही में आपके घर लेके आ रहा है, तो वो बोलने आया था कि कैसे वो बहू नहीं ला रहा है आपके लिए, सांप ला रहा है नागिन लागे। वैसे सिंगल हूँ मैं और तू खत्म कर दे। देख रही है ये भी वही है इगुआना छिपके अपना। हाँ मतलब है एक ही चीज। हाँ ये चलेगा घर पे। मुझे तो फोन नहीं दे के वो डर। करीब रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, और अपन ने कुछ खाने के लिए मंगा रखा है। अरे मेरा वो फलूदा इसमें चेक कर होगा, इसमें तो फिर वो खोल, इसमें तेरा पाव भाजी है शायद, और कुछ नहीं है, चेक कर उसमें, खोल जरा इसे। देखो मतलब अपने साथ हो गया स्कैम शायद। देखो जो जोमेटो बंदा था उसने अपने को फलूदा नहीं दिया, या फिर रेस्टोरेंट वालों ने ही नहीं दिया, अब मुझे नहीं पता कैसा क्या मैटर, लेकिन यहाँ पे अपने पास है उत्पम सांबर और अपना ये चटनी और दीदी का पाव भाजी। तुम्हें दिखाता हूँ मैं उत्पम का सीन, ये है अपने उत्पम, ठीक है, ये अपना सांबर। तो आओ यार जरा एक बार नारियल चटनी चख के देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है यार। ये अपना पहला वाइट गरम गरम उत्पम का, थोड़ा अपन ने सांबर में डुबाया, हल्का सा फिर नारियल चटनी की बारी, और
और दीदी देख रहा है जोमेटो वाले को कंप्लेंट कर रही है अपने को फलूदा नहीं आया, ठीक है फलूदा करिए अपने को मतलब 150 बड़ा था जैसे बोलते ना स्पेशल जो रेस्टोरेंट था उसका स्पेशल फलूदा था, तो कोई दिक्कत नहीं सीधा तू कंप्लेंट डाल दे, खाना खाने वाला मीठा ना खाए तो खाना पूरा नहीं माना जाता, ठीक है। रसमलाई खाने के बाद ना रसमलाई में जो स्वाद आता है जैसे बोलते ना मजा into 100। केड़ा केड़ा सीने 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 सीन केड़ा केड़ा सीने 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 दे चिंगारी ना केड़ा भाई केड़ा केड़ा सीने सीन केड़ा केड़ा सीने 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 ए सीन केड़ा केड़ा सीने 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 सीन केड़ा केड़ा सीने 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 दे चिंगारी ना तेरा भाई फुल केड़ा सीने।